सुनो, वो मुझे मार देगा। क्या लेंगे आप मैडम? एक ग्लास पानी ले आइए। जी मैडम। और कुछ? एक्चुअली मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, वो आ जाएंगे ना तब मैं बताती हूँ। हाँ, काफी समय लगने वाला है। क्यों? क्या है मैडम, अभी क्राउड का टाइम है ना, अगर आप ऑर्डर नहीं लेंगी तो हमारे दूसरे कस्टमर्स चले जाएंगे। एक ऑरेंज जूस लाइए। हाँ जी मैडम। और खाने के लिए और कुछ? अभी भूख नहीं है। हेलो, कौन सी? रेनू। हाँ हाँ, एक मिनट बुला। रेनू, तुम्हारा फोन है बेटा। रेनू, जस्ट होल्ड ऑन। रेनू, तुम्हारा फोन है बेटा, दरवाजा खोलो। रेनू, रेनू, रेनू के कपड़े बैग पे नहीं। माय गॉड, लगता उस निकम्मे मोहित के पास गई होगी। आज मैं उस मोहित के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। आदमी जब यहाँ भागते हुए आया तो इसके पीछे कोई और था? हाँ सर, जहाँ तक मुझे याद है हमने तो किसी को भी नहीं देखा। ये आदमी बहुत घबराया हुआ था सर। अच्छा, लेकिन एक बात है सर, उस समय इसके हाथ में एक कैमरा था सर। कैमरा था? जी सर। तो फिर वो कैमरा गया कहाँ? मुझे मालूम नहीं। मुस्कान, विवेक सर, इस एरिया को अच्छी तरह से चेक करो, देखो कैमरा मिलता है क्या, यहीं कहीं होना चाहिए, जल्दी। जी सर। सर, मुझे लगता है गोली चलाने वाला यहाँ था ही नहीं। था ही नहीं मतलब? चाहिए देखिए, ये है गोली, यहाँ पीठ से घुसी है
ये यहाँ पेट से बाहर निकली, ऊपर से नीचे की तरफ चली है गोली। यहां से चली है, वो आदमी यहां गिरा, यहां से बाहर निकली है। अभिजीत, गोली शायद वहां से चली है, वहां से। उस एरिया को अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, सर हमने सारी जगह अच्छे से छान ली, पर वो कैमरा कहीं नहीं मिला। कैमरा कहीं नहीं मिला? तो फिर वो कैमरा गया कहाँ? सर मुझे लगता है कि किसी ने वो कैमरा चुरा लिया होगा सर, और शायद उसी कैमरे की वजह से इस आदमी का खून हुआ है सर। यहीं कहीं पे वो शेल होना चाहिए, उस कैमरा में ही कुछ होना चाहिए। ये रहा। सर गोली यहीं से चली है, ये देखिए हमें क्या मिला है। क्या बुलेट का शेल मिला है? यस सर, उसने शायद टेलीस्कोपिक गन का इस्तेमाल किया था सर। Excuse me, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मेरे दोस्त आने वाले। That's nice. Thank you. Excuse me. Thank you so much. लगता है आपने ठीक से मेरी बात सुनी नहीं। सुनी ना? कितनी मीठी आवाज है आपकी, अच्छी जगह है नहीं? अजीब जबरदस्ती है, यहाँ रेस्टोरेंट में और भी टेबल्स खाली है, लेकिन आप यहाँ आके क्यों बैठ रहे हैं? टेबल्स तो खाली हैं, लेकिन उस पर आप नहीं है ना मिस देन। रेनू, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? कौन है आप? वही जिसका आपको इंतजार है। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे किसी सड़क छाप लोफर का इंतजार नहीं है, तो मेरा पीछा करते करते यहां तक पहुंच जाए। बेटा, बेटा, ये आपके लिए। यस मैम। मैडम को शायद भूख लगी। अरे सर आप, मैडम तो आपका काफी समय से इंतजार कर रही है। हाँ, क्या लेंगे सर आप? एक वेज सैंडविच। यस, थैंक यू। ये फोटो बहुत अच्छी लगती है मुझे, ऐसे और भी बहुत कुछ जानता हूँ। गलत सवाल, तुम्हें पूछना चाहिए क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा मेरा। कैसा काम? फिर गलत सवाल, और कितने सवाल पूछते हो, वो भी सारे गलत। तुम्हें सिर्फ जवाब देना है, वो भी हाँ। अगर मैं तुम्हारा काम करने से मना कर दूं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। बेचारे, बहुत प्यार करती हूं तुम अपने पापा से। काम क्या है? काम? That's like a good girl. काफी जल्दी सीख लिया तुमने सवाल करना।
इस आदमी को जानते हो? चलो चलते हैं। खून हो गया। अरे अरे खून, अरे इस आदमी ने मोहित का खून कर दिया। क्या कर रहा है? मैंने इसे नहीं बोला। ये जब मैं आया तो यहाँ पे बरा हुआ था, मैं तो खून ढूंढने आया हूँ। मैं सीआईडी को बुलाते हैं। चलो 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 सीआईडी को बुलाते हैं। चलो जल्दी चलो। हाँ डॉक्टर अलका, अब तक कुछ कहा साहबजादे? कह रहा है कि मेरे गले में खराश है, प्लीज मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। अच्छा, तो कोई दवाई वगैरह दी? दवाई तो नहीं दी मैंने, लेकिन बॉडी की स्कैनिंग की है। आइए। देखिए देखा आपने सर, ये लाश क्यों रो रही थी? हाँ, मुगरी है क्या? कंप्यूटराइज मच्छी का काटा, गले में एक चिप फंसा हुआ है। माइक्रोचिप? इस आदमी ने एक माइक्रोचिप निकल लिया है? जी हाँ सर, शायद ये उसी कैमरा का चिप है जो इस आदमी के पास था। डॉक्टर, आप गले में से ये चिप निकाल के हमें दे सकती हैं? व्हाई नॉट, अगर ये कैमरे का चिप है तो इसमें बहुत सारी फोटोग्राफ्स होंगी। सर, उस खूनी को तो पता ही नहीं होगा कि जिस कैमरा को लेके भागा उसमें चिप है ही नहीं। चिप तो ये भाई साहब खा गए। डॉक्टर अलका, आप हमें ये चिप निकाल के दे दो। अभिजीत दया सर, जल्दी से जल्दी इस चिप में से फोटो निकाल। लेकिन डॉक्टर अलका, आप इसके गले में से वो चिप निकालेंगी कैसे? एक तरीका तो ये है, मैं इस लाश का गला काट कर चिप बाहर निकाल सकती हूँ। अच्छा तरीका नहीं है डॉक्टर, कोई और तरीका होगा। ठीक है, मैं इस लाश के मुंह में ये कैमरा डाल के देखती हूँ कि चिप वाकई में है कहाँ। ये रहा आपका चिप सर। जल्दी से इसे स्कैन करो और देखो क्या मिलता है। हेलो एसीपी प्रद्युमन, क्या पहला खून सॉल्व में हुआ है? और अच्छा ठीक है, हम पहुंचते हैं। ओके अभिजीत, एक और खून हो गया। किसका खून हो गया सर? मोहित नाम के आदमी का। मोहित? हाँ। कौन है ये? वहां पहुंचते ही पता चलेगा।
ललित जी, ये सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसका खून आपने किया है? दिमाग खराब है उन लोगों का सर। एक तो मेरी बेटी मेरे घर से गायब है, मैंने सोचा कि इसने कुछ किया होगा, तो मैं आया तो मैंने देखा कि ये तो मरा पड़ा है। अब आपके आने से पहले ही कोई मर जाए तो आप क्या कर सकते? सर, इसे राइगर मॉर्टिस आ गया सर। इसे मरे हुए कम से कम 5-6 घंटे हो गए। 5-6 घंटे? मेरे खास मैंने इसे नहीं मारा, गोली मारी गई है सर। आपके पास कोई पिस्टल वगैरह है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैंने आज तक पिस्तौल देखी तक नहीं। ये आदमी खराब था सर, बिल्कुल खराब था। इसकी शक्ल ही मुझे पसंद नहीं थी। जब रेणु ने मुझे पहली बार इससे मिलाया था ना सर, तभी मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। रेणु, अगर रेणु यहां पर नहीं आई थी तो फिर कहां गई? यही तो मैं सोच रहा हूं सर। प्लीज आप मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए सर। देखिए, फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे जी। फ्रेडिक्स, तुम इनके घर जाओ और रेणु का फोटो लेकर ब्यूरो में भिजवा दो, और इनके घर का फोन भी टैप करो, शायद कोई फोन आ जाए। यस सर। वैसे आपकी बेटी रेणु करती क्या थी? सर, वो होटल विहार में मैनेजर के पोस्ट पे थी। होटल विहार में थी? मुस्कान, विवेक सर, होटल विहार जाओ और देखो रेणु के बारे में क्या पता चलता है। सर। जी सर। क्विक। सर, मेरी बेटी कहां गई होगी सर? आप उसे ढूंढ दीजिए प्लीज। आपके फोन में कॉलर आईडी नहीं है। सबसे पहले मैं आपका फोन बदल देता हूं। पता तो चलना चाहिए ना फोन कहां से आ रहा है। मेरी बेटी मिल तो जाएगी ना, पता नहीं वो किस हाल में होगी। कुछ नहीं होगा सर। देखिए, रेणु छोटी बच्ची तो है नहीं, वो जहां कहीं भी होगी ठीक ही होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। आप फिक्र मत कीजिए सर, CID उसे ढूंढी रही है। बहुत जल्द आपकी बेटी आपके पास होगी। आपके लिए ड्रिंक बना दो। ड्रिंक्स? हाँ नहीं, मैंने पीता। पहले से या अभी? नहीं, मैंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। देखिए, आप भी पीना छोड़ दीजिए, बहुत खराब चीज है। हाँ खराब तो है, पर सुनिए, वो गाड़ी किसकी है? कौन सी गाड़ी? वो जो सामने खड़ी है, पहचानते हैं आप? नहीं तो, पता नहीं किसकी हो सकता है। वो सामने वाले बंगले में कोई आया हो। हाँ अभिजीत, इस चिप से कुछ पता चला? सर, उम्मीद तो कमी थी, मगर इरादे बुलंद तो मंजिल करीब। आज शेरो शायरी का मूड है सर। जैसे ही ये चिप गले में पहुंचा, ऐसे डिस्को पर अपना काम कर रहे थे, मगर फिर भी ये चिप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ सर। इसमें से कुछ फोटोग्राफ हमने बचा लिए, बाकी सारे खराब हो गए सर। दैट्स गुड न्यूज। चलो देखते हैं ऐसा क्या है इस चिप में। दे, जरा दिखाओ तो सर। ये देखिए सर, ये आदमी सारे फोटोग्राफ्स में सर। हाँ, ये हर जगह वही आदमी? हाँ सर, इसे पहले कहीं देखा नहीं है सर। मुझे लगता है इस आदमी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, और इसकी वाइफ ने किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को इसके पीछे लगा दिया। अच्छा, ये कोई बड़ा आदमी है क्या? कोई सेलिब्रिटी वगैरह? सेलिब्रिटी तो नहीं है, ये तो कोई ना कोई प्रेस वाला भी उसकी फोटो खींच रहा हो। हाँ सर, इसे पहले कहीं देखा नहीं है सर। हाँ, ये संजय है, होटल विहार में रेणु की जगह काम कर रही है सर। सर, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? और आपके इस ऑफिसर ने तो कब से अपना मुंह ही बंद कर लिया है। संध्या जी, रेणु कहाँ है? रेणु? जी हाँ, रेणु। रेणु कहाँ है? वो शायद किसी काम से बाहर गई हुई है। कहाँ? वो सब मैंने नहीं पूछा, पर
बात क्या है सर? क्या रेनू को कुछ हो गया है क्या? अच्छा, आपको पता नहीं, रेनू घर से भाग गई है। भाग गई है? हाँ। मासूम मत बनिए संध्या जी, सच सच बताइए, उसने कुछ कहा था आपसे? कुछ कहा था उसने आपसे? सब सब मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। रेनू ने मुझे फोन करके कहा था कि कुछ दिनों के लिए मेरी जगह पर काम कर ले, तो मैंने कहा कि ठीक है। आपने पूछा नहीं क्या काम है? सब पूछा तो था। तो क्या जवाब दिया उसने? उसने कहा कि क्या कहा? उसने कहा कि काम होने के बाद बता देगी। बस, और आपने यकीन कर लिया? देखिए संध्या जी, आप हमसे कुछ छुपा रही हैं, समझी? सब सब मैं कैसे कुछ छुपा सकती हूँ? सच सच बताइए। सब सर सचमुच ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं क्या छुपाऊंगी सर? शकल तो ठीक करो अपनी, 13 बजे पड़े। क्यों निकाल रहे हो अपना सेलफोन? तो तुम्हीं ने तो कहा था कि फोन करना है। कहा था डार्लिंग कि फोन करना है, लेकिन तुम्हारे सेलफोन से नहीं, किसी पीसीओ से। उसके आगे अपना दिमाग मत चलाना तुम, समझे? पीसीओ वो रहा पीसीओ। तुम जब फोन करो मैं नजर रखता हूं, और याद रखना एक भी गलत काम किया तो जानती हो ना क्या होगा। चलो। सर आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं सच कह रही हूं, मुझे वाकई नहीं पता कि रेनू कहां है। ये कौन है? बात कीजिए आप। हेलो। हेलो संध्या। कौन? रेनू। स्पीकर फोन ऑन कीजिए। हेलो। हेलो हेलो संध्या। रेनू रेनू कहाँ है तू? संध्या सुन, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या बात है रेनू? मेरी बात ध्यान से सुन, हमारे होटल में एक आदमी आने वाला है जिसका नाम है स्मिथ। हाँ मिस्टर स्मिथ, क्या हुआ उन्हें? मैं चाहती हूँ कि तू उन्हें रूम नंबर 125 में ठहरा दे, ठीक है? रूम नंबर 125। रूम नंबर 125? पर क्यों रेनू? संध्या प्लीज, बस तू इतना कर दे वरना मेरा बस। हेलो हेलो रेनू, ये मिस्टर स्मिथ कौन है? सर उनकी अमेरिका में एक स्टील की कंपनी है, यहाँ के इंडियन कंपनी ने उसे खरीद लिया है, बस उसी की डील साइन करने के लिए वो इंडिया आ रहे हैं। उनकी बुकिंग किसने की? सर रेनू ने की थी। तो अब ये रेनू बुकिंग बदलना क्यों चाह रही है? क्या है इस रूम नंबर 125 में? पता नहीं सर, जिस तरह होटल के बाकी कमरे हैं उसी तरह रूम नंबर 125 भी है। सर लगता है रेनू किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। हाँ, पहले रेनू घर से भाग गई, फिर मोहित मरा हुआ मिला, और अभी फोन। सर मुझे लगता है कहीं मिस्टर स्मिथ को तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ यही हो सकता है, होटल विहार चलते हैं। तुम यहीं कहीं छुपी हो, रेनू! अगर मेरे 3 गिनने तक तुम बाहर नहीं आई तो तुम्हारे पापा इस दुनिया को बाय बाय बोल देंगे। रेनू बाहर आ जाओ। 1 हेलो पापा, बाहर आ जाओ रेनू। हेलो, वरना तुम्हारे पापा का खून तुम्हारे सर पर होगा। हेलो, किसका फोन है? पता नहीं, कोई बात नहीं कर रहा है। हेलो, दो। हेलो, ये मैंने फोन निकाला रेनो। हेलो, 3 पहले इसको खत्म कर। किसका फोन है? कोई पापा कह रहा है। पापा, तू तो रेनू का फोन होगा। लाइन में बहुत डिस्टर्बेंस था, कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। और क्या कह रही थी वो? सिर्फ पापा का, बस
बाकी तो कुछ सुनाई नहीं दिया। पता नहीं कैसे होगी मेरी बच्ची। बस अभी अभी उन्होंने चेक इन किया है, अपने रूम में गए हैं। कौन सा रूम में है वो? रूम नंबर 125। क्या? रूम नंबर 125? लेकिन उन्हें तो रूम नंबर 504 दिया गया था ना? आई एम सॉरी मैडम, लेकिन 504 में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। कैसी प्रॉब्लम अनीता, कैसी प्रॉब्लम? एक्चुअली मैम, पता नहीं कहाँ से उस रूम में पानी लीक हो रहा था, जिसकी वजह से उनका रूम बदलना पड़ा। लेकिन दूसरा रूम देने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता, तुम्हें रूम नंबर 125 ही मिला था। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है, कितनी बार? कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछ लिया करो तुम। पर मैडम प्लीज, एक मिनट, ये बहस करने का वक्त नहीं है। अभिजीत, जाकर रूम नंबर 125 चेक करो, देखो क्या हो रहा है उधर। दया, उसका देखो, होटल के अंदर बाहर से कोई आने न पाए, सब दरवाजे बंद करो। लेकिन सर, आप हमारे होटल का एंट्रेंस क्यों बंद करवा रहे हैं? देखिए, आपके होटल में कुछ भी हो सकता है मैम, बॉम्ब रखा गया हो। बॉम्ब? जी हां। ओह माय गॉड, आपके अपने होटल के सारे क्लाइंट्स को वेकेट करना होगा अभी, जल्दी, इमीडिएटली प्लीज। यस सर। Mr. Smith, I'm CID officer Abhijeet. There might be a bomb in your room. Bomb? In my room? Oh my God. Please, everything will be all right, okay? But why? Anyone plant a bomb in my room? ये चक्कर था। हाँ अभिजीत, तुम ठीक तो? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोली चलाने वाला अभी भी सामने वाली टेरेस पे छुपा हुआ है सर। गोली चलाने वाला सामने वाले टेरेस पे? ठीक है, हम लोग उसे पकड़ते हैं। दया, मुस्कान, लेट्स गो। रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ जा रहा है? बता, बताओ किसने भेजा तुम्हें? किसने भेजा तुम्हें? Aphrodites? क्या? My God, ललित जी ठीक तो हैं? Thank God. अच्छा, तुमने वो कॉल ट्रेस किया, कहां से आया था? अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंचते वहां। हाँ, और देखो तुम ललित जी के पास ही ठहरना। ये वो फोन दीजिए, और ये मालिक है सर। अच्छा भाई साहब, जरा ये फोटो देखिए, इस लड़की को आपने पहले कभी देखा है? ये लड़की? इस लड़के ने आपके फोन बुक से फोन किया था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इसे नहीं देखा। मैंने कब कहा सर कि मैंने इसे देखा नहीं है? अब ये लड़की आई थी सर यहाँ। अकेली थी? नहीं नहीं, एक आदमी भी था उसके साथ में। कैसा दिखता था वो? लंबा सा था और दुबला पतला, और उसके बाल रंग किए हुए थे, कलर किए हुए, और यहाँ उसको छोटी सी दाढ़ी थी। और हाँ सर, वो लड़की बहुत घबराई हुई सी लग रही थी, ऐसा लगता था जैसे किसी मुसीबत में है। तो आपको कुछ करना चाहिए था, उसकी मदद करनी चाहिए थी, वो बेचारी फंसी हुई थी। फिर
फिर सर, फिर मैंने देखा कि उस लड़की ने उस आदमी को यहाँ धक्का दिया और धक्का दे करके वो भाग गई, और फिर उसके बाद उसके पीछे पीछे वो आदमी भी भागा था। किधर, किस तरफ भागे वो? उस तरफ। ये जगह सुनसान लगती है, हो सकता है रेणु यहीं मिल जाए। विवेक सर, रेनू का बैठ सर, ये देखिए रेनू का बैठ यहीं पे गिरा हुआ था सर। उसे कुछ हो तो नहीं गया? अगर उसका मोबाइल फोन अभी भी ऑन है तो हम पता लगा सकते हैं कि वो फोन कहाँ पे है। सर, रेनू ने जिस दुकान से फोन किया था, उस दुकान का मालिक कह रहा था कि रेनु काफी घबराई हुई थी और उसके साथ कोई आदमी भी था। अच्छा सर, शायद रेनु बहुत बड़ी मुसीबत में है। सर, हम इस प्रोग्राम से रेनु के मोबाइल के लोकेशन का पता लगा सकते हैं। मुस्कान सर, दाईं तरफ जा रही है। यस सर। जल्दी चला, रेणु हमारे हाथ से निकलती जा रही है। यस सर। जल्दी। हम उसका राइट टू राइट राइट जा रही है। जल्दी मुस्कान, जल्दी। लेफ्ट लेना, लेफ्ट। मुस्कान सीधा 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 सीधा। रेनु एक जगह रुक गई है सर। चलो ये तो अच्छा हुआ, देखो जगह कौन सी। अभिलाष मिल, अभिलाष मिल। हाँ सर, मगर ये मिल तो काफी समय से बंद पड़ी है, वहां तो सब टूटा फूटा है। अभिजीत, लगता है उस आदमी ने रेनु को वहीं छुपाया होगा। चलो जल्दी चलो मुस्कान, जल्दी। यस सर। हाँ, रेनु को बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। हम कोशिश कर रहे हैं। यस। पास पास पास। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो। कौन बच गया। कैसे? वहां सीआईडी वाले पहुंच गए। और हमारा शूटर? उसने साइनाइड खा ली बॉस। अभिजीत, ये वही आदमी है जो फोटो में था। अपनी पोजीशंस ले लो, विवेक उस तरफ जाओ। वजह से मेरा मिशन फेल हो गया। मुझे छोड़ दो।
आ रहे हैं पापा। तुम्हारे पापा तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। क्यों? मैंने उसे अपने हाथों से मारा है। ऐसा ही हुआ है। तुम्हारी होशियारी का अंजाम तुम्हारे बेचारे पापा को भुगतना पड़ा। सीआईडी के होते हुए तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, वो देखो। ले लो बेटा। इसकी बुद्धियां खत्म हो गई। तुम्हारी उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उसके साथ। मुझे पैसे दिए गए थे इस काम के लिए। किसने दिए थे पैसे? दूसरे कंपनी वाले ने। कौन सी कंपनी बोलो? Yes. बहुत से सवालों के जवाब इसकी मौत के साथ खत्म हो गए, फिर भी हम रेणु को तो बचा सके। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.